आप सभी संगीत प्रेमियों का बेंजो ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। आज के बेंजो ट्यूटोरियल के लेसन 3 में हम चर्चा करेंगे सप्तक का। सप्तक यानी ऑक्टेव। ये सप्तक क्या है, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, सप्तक के प्रकार, सप्तक कितने तरह के होते हैं, सप्तक को कैसे पहचाने, इसका चिन्ह क्या है, और सप्तक में सरगम का रियाज, इन तमाम चीज़ों का हम लोग आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं थाट कल्याण में राग यमन में एक कुछ स्वर को बजाता हूँ। आप फिंगर पर ध्यान रखेंगे कि उंगली कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं सप्तक क्या है, सप्तक कहते किसको हैं। संगीतकारों के अनुसार 7 स्वरों के समूह को जब एक क्रम से कहा जाए अथवा लिखा जाए तब उसे सप्तक कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सप्तक में 7 स्वर क्रमानुसार होते हैं, एक के बाद एक होते हैं। उदाहरण के लिए सा, रे, ग, म, प, ध, नी, यह एक सप्तक है। सप्तक में यह ध्यान रखा जाता है कि 7 स्वर एक दूसरे के बाद आए। एक सप्तक सा स्वर से नी स्वर तक होता है। अब इस नी स्वर के बाद फिर से सा आ जाता है जो पहले सा से दुगुना ऊंचा होता है। इस रूप में दूसरा नया सप्तक आरंभ हो जाता है। इस नए सप्तक के सभी स्वर पहले सप्तक के स्वरों से दुगुने ऊंचे होते हैं। इस प्रकार न जाने कितने सप्तक एक के बाद एक करके हो सकते हैं, परंतु विद्वानों ने केवल 3 सप्तक माने हैं। इसका कारण यह है कि साधारणतः मनुष्य की आवाज 3 सप्तक से अधिक नहीं जा सकती। अधिकतर 3 सप्तकों में ही मेल, फीमेल और बच्चों की आवाज रहती है। केवल कुछ वाद्यों में इन 3 सप्तकों के अतिरिक्त कुछ ऊपर और नीचे सप्तक होते हैं, स्वर होते हैं। तो सप्तक ये है जिसमें 7 स्वर होते हैं, सब एक के बाद एक क्रमानुसार आगे बढ़ेंगे और अवरोह में नीचे आएंगे। और एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। मुख्य रूप से 7 स्वर होते हैं जो हम लोग जानते हैं, सारे गामा पा ध नी, ये सा अगला सा हो जाता है। तो ये मुख्य स्वर हैं। इसके सहयोगी स्वर जो हैं जैसे रे दो हो गया, ग दो हो गया, म दो हो गया, धैवत दो हो गया, निषाद दो हो गया, तो नाम से 7 ही है लेकिन संख्या से 12 है। तो एक सप्तक में 12 स्वर कुल होते हैं जो सा से नी तक जाता है, वो भी क्रमानुसार एक के बाद एक। तो सप्तक क्या है, सप्तक में कितने स्वर होते हैं, ये 2 चीज हुई। तीसरी बात है सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, सप्तक कितने तरह के होते हैं। तो विद्वानों के अनुसार सप्तक 3 ही तरह के होते हैं। पहला होता है मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा तार सप्तक। इसको ऐसे अंग्रेजी में कह सकते हैं लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव एंड हायर ऑक्टेव। तो सबसे पहले ये देखें कि बीच वाला सप्तक कौन सा है, जिसे मध्य सप्तक कहते हैं। तो मध्य सप्तक का अर्थ है बीच का सप्तक, वह आवाज़ जो न अधिक नीची होती है और न अधिक ऊंची होती है, अर्थात बीच की आवाज़ मध्य सप्तक की आवाज़ कहलाती है। इस सप्तक के स्वरों के गाने के
गले इसके गाने से इसके गले पर कोई असर या कष्ट नहीं होता, इजी वे में हम लोग सब गा सकते हैं, वो मध्य सप्तक का होता है। मंत्र सप्तक में स्वरों को कष्ट से निकाला जाता है, जो स्वर नीचे होता है, और तार सप्तक में भी थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो ये मध्य सप्तक हुआ। मध्य सप्तक यहाँ से लेंगे सा, जो हारमोनियम की पहली सफेद है, इस यहाँ से लेंगे सारे गामा पाधनी। तो इस सा से इस नी तक कुल 12 स्वर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यह एक सप्तक हुआ, ये बीच का सप्तक यानी मध्य सप्तक कहलाता है। और इस सा से नीचे अगर जाएं हम, ये नी है धा पा मा, तो ये मंद्र सप्तक कहलाती है। तो मंद्र सप्तक किसे कहते हैं? साधारणतः आवाज़ से दुगुनी नीची आवाज़ को मंद्र सप्तक की आवाज़ कहते हैं। साधारणतः आवाज़ वह है जिसे बोलने अथवा जिन स्वरों को गाने में हमारे गले को कोई कष्ट नहीं होता तथा गले पर जोड़ भी नहीं पड़ता। इस साधारण आवाज़ से दुगुनी नीची आवाज़ जिसमें स्वर गाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होता है सिंगर को, तो मंद्र सप्तक की आवाज़ कहलाती है जो नीचे का होता है। पंचम तक तो आसानी से सभी लोग जाते हैं, पंचम के बाद नीचे जाने में थोड़ा कष्ट होता है। तो मध्य सप्तक, बीच वाले सप्तक से नीचे जब हम जाएंगे तो उसको मंद्र सप्तक कहेंगे, लोअर ऑक्टेव कहेंगे, और ये बीच वाले को मध्य सप्तक कहेंगे यानी मिडिल ऑक्टेव कहेंगे। इसके बाद आता है तार सप्तक यानी हाइयर ऑक्टेव। तो मध्य के बाद जो सप्तक आता है, जो स्वर आता है, वह तार सप्तक का स्वर कहलाता है। तो तार सप्तक को कह सकते हैं कि मध्य सप्तक से दुगुनी आवाज़ को तार सप्तक की आवाज़ कहते हैं। इस सप्तक के स्वरों की उच्चारण करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। इस सप्तक के स्वरों को गाने से हमारे तालु अथवा मस्तक पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से ये तार सप्तक हो गया, और तार सप्तक की आवाज़ थोड़ी तीखी होती है। तो मध्य से हम नी तक आए, फिर ये जब सा शुरू हुआ तो ये तार सप्तक का शुरू हो गया, सारे गामा पा। तो इस तरह से तीन तरह के सप्तक हुए, मध्य, तार और मंद्र, मंद्र, ये तीन सप्तक हुए। तो मैं आपको थोड़ा डिवाइड करके बता दूं, मैं थोड़ा सा ये डिवाइड कर रहा हूं आपको समझाने के हिसाब से, ये आप ले लीजिए। ये बीच का पार्ट आपको मध्य सप्तक का पार्ट हुआ, जिसमें स्वर आप काउंट करेंगे 12 होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। इसके नीचे ये हो गया आपका मंद्र सप्तक, और इसके ऊपर हो गया तार सप्तक। तो अगर शुरू से लें तो मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, बीच से लें मध्य सप्तक, पीछे मंद्र सप्तक और आगे तार सप्तक। तो बेंजो में तो खैर 29 या 31 की का बनता है बेंजो, तो इसमें आप कह सकते हैं कि पूरा पूरा लोअर ऑक्टेव और हाइयर ऑक्टेव पूरा पूरा नहीं है, बीच का मध्य सप्तक पूरा है। और अगर इसमें और बटन लगा सकते तो हम तीन सप्तक का बना सकते थे। तो वैसे अगर पूरा इस बेंजो का कहा जाए कि कितने सप्तक का है, तो ये ढाई सप्तक का है, ढाई सप्तक का है। ये एक पूरा है और दो आधा आधा है। तार सप्तक थोड़ा सा पूरा है, इसमें दो नोट्स और लगाने से ये सप्तक पूरा हो जाएगा, तो एक दो और आधा, ये तो ढाई सप्तक का बेंजो है। और अगर इससे ज़्यादा सप्तक अगर हो, जैसे हारमोनियम में थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, कीबोर्ड में बहुत सारा होता है, 5 6 7 8, तो उसका नाम क्या कहेंगे? तो आप ये देखें कि ये हो गया मध्य सप्तक, इससे नीचे हो गया मंद्र सप्तक, और मंद्र से नीचे अगर हो, विद्वानों ने तो सिर्फ इसी तीन का नाम दिया है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इस मंद्र से नीचे वाले सप्तक को अति मंद्र सप्तक कहेंगे, और इस तार सप्तक के आगे जो एक सप्तक और अगर डाल दें तो उसे हम अति तार सप्तक कहेंगे। इस तरह से हम पांच सप्तक का नामकरण कर सकते हैं, अति मंद्र सप्तक, ये मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक और अति तार सप्तक। हालांकि इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसका नामकरण
अभी तक किया नहीं गया है, तो सब तक का ये है। और मैं आपको फिगर के माध्यम से स्क्रीन पे एक सप्तक का सेट, दो सप्तक का सेट, तीन सप्तक का सेट, चार का, पाँच का, छः का, जहाँ तक हमें उपलब्ध होगा हम आपको फोटो के रूप में आप दे देंगे, उसमें लिख के दे देंगे। ये एक सप्तक का सेट है, 12 स्वर है। ये दो सप्तक का सेट है, 24 स्वर है। ये तीन सप्तक का सेट है, 36 का है। चार का है, 48 का है। पाँच सप्तक का है, 60 स्वर का है। तो ये सप्तक का कॉन्सेप्ट है। अब बात रही कि सप्तक को पहचानेंगे कैसे हम, तो मैं आप लोग के लिए एक इसमें लिख के लाया हूँ, थोड़ा आप इसे देखें। यह है सा, दो रे है, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, माँ तीव्र माँ, पा कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, फिर ये तार सप्तक का सा। इसको अगर यहाँ रख दें आप तो ये सा, ये नी तक और ये सा तक, ये हो गया ये नी, ये हो गया, और इसके बीच के सारे स्वर हैं। तो इसको पहचाने कैसे है? तो इसका एक ही है कि अगर आप स्वर लिखे हैं कहीं और उसमें कोई भी चिन्ह ना हो तो वो मध्य सप्तक का स्वर होता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ आपको, एक लिख दूँ सा, ये सा मैंने लिखा, इस सा में कोई चिन्ह नहीं है, तो कहे अगर कोई पूछे कि ये किस सप्तक का सा है, तो इसको कहेंगे मध्य सप्तक का सा है, क्योंकि इसमें कोई चिन्ह नहीं है। इससे नीचे मंत्र सप्तक होता है, उसके लिए अगर हम ऐसे लिख दें सा, और उसके नीचे एक बिंदु लगा दें, सा के नीचे एक बिंदु लगा दें, तो ये दर्शाती, ये बिंदु दर्शाता है कि ये सा मंद्र सप्तक का है, लोअर ऑक्टेव का है। और अगर इसी सा के ऊपर एक बिंदु लगा दें तो ये स्वर के ऊपर जो बिंदु लगा है ये निर्देश देता है कि यह तार सप्तक का स्वर है। अब हम, मैंने सा का एग्जांपल लिया, अब किसी भी स्वर का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर ग लिखें, अगर ग लिखें तो अगर प्लेन ये ग लिख दें, एक ग यहाँ लिख दें और इसके नीचे बिंदी है, और एक ग यहाँ लिख दें इसके ऊपर ये बिंदु लगा दिए, तो तीन ग को हमें इंडिकेट करना है, तो इस तरह से करेंगे। और अगर यहाँ बेंजो में दिखाने के लिए जो उपलब्ध है वो प है, तीनों सप्तक कवर करेगा, ये प हो गया, एक प ये हो गया, और एक प आपको ये हो गया जिसके ऊपर बिंदु लगा है। तो अब अगर कोई बोले कि तीनों स्वर को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ये बीच का है, ये मंद्र सप्तक है, ये पंचम है, ये स्वर आपका प है, क्योंकि इस प के नीचे आपका बिंदु लगा है, ये मध्य सप्तक है, मध्य सप्तक का प ये है, और तार सप्तक का प ये है, सा रे ग म प, मध्य सप्तक का प सा रे ग म प, मंद्र सप्तक लोअर ऑक्टेव का प सा नी ध प, उधर स्वर नहीं है इसीलिए हम अवरोह में गए। तो आप इसे गौर करें, और ये सारे चिन्ह हैं, बस स्वर के ऊपर बिंदु तार सप्तक, स्वर में कोई चिन्ह नहीं मध्य सप्तक, स्वर के नीचे बिंदु मंद्र सप्तक, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव। तो ये हो गई बातें कि स्वर को कैसे पहचाने कि वह किस सप्तक में है। और अब रही बात कि हम रियाज कैसे करेंगे जिसमें कि दोनों सप्तक कवर हो जाए। सिंपल, कोई भी सरगम को हम तीनों सप्तक में, एक साथ, साधारणतः एक ही सप्तक में हम लोग रियाज करते हैं राग बिलावल में, और अगर इसको दो सप्तक लें, आगे स्वर नहीं है तो वहां से जाता, अगर दो सप्तक के पूरा पूरा सरगम को दिखाना है तो इस सा को बदल के खुला का सा मानना होगा जो एफ में है, एफ में है, तो उसका दो सप्तक में ऐसे सरगम बन सकता है, एक हुआ, दूसरा
पूरा पूरा दो सरगम दो सप्तक में आ रहा है। अगर हम माने कि यहाँ पर सा है तब उसके नीचे भी स्वर होगा तो वो मंद्र कहलाएगा, तब ये मिडिल कहला जाएगा क्योंकि हम सा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ये सप्तक है। अब सप्तक की जानकारी के बाद हमें लाभ क्या होता है? तो हम ऐसे करते हैं कि अगर कहीं पर इंडिकेशन जो संगीत के संगीत में जो भाषाएं यूज़ की जाती है नोटेशन, तो नोटेशन में लिखा रहता है कौन सा स्वर, उस स्वर के नीचे चिन्ह लिखा रहता है, तो आप उस चिन्ह को समझ के आप फिंगर को वहां ले जा सकते हैं। अगर चिन्ह नहीं है तो आप मिडिल ऑक्टेव में बजाएंगे, अगर नीचे में चिन्ह है तो मंद्र सप्तक में जाएंगे, अगर चिन्ह ऊपर है स्वर के तो आप तार सप्तक में जाएंगे प्लस, और अगर कोई सॉन्ग आप बजाते हैं तो हाफ पार्ट आप मिडिल और लोअर में बजा लिए और हाफ पार्ट आप तार सप्तक में बजा लिए, तो उससे खूबसूरती बढ़ती है। जैसे एग्जांपल है, एक भजन है, एक भजन है जब से दरबार आने लगे हैं, तो उसका देखिए कि पहले हम एक ही ऑक्टेव में बजाते हैं फिर आधा आधा करके दो ऑक्टेव में बजाते हैं। ये एक ही ऑक्टेव दो ऑक्टेव में बजाए, मिडिल और लोअर में। अब इसको मिडिल में बजा के हायर में कैसे बजाते हैं? हालांकि ये थोड़ा राग चेंज हो गया, राग दरबारी में बजा दिया मैंने, लेकिन ऑक्टेव दिखाने के लिए मैंने बजाया। खैर, तो ये ऑक्टेव की सारी बातें रही, तो इससे आपका ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि सप्तक क्या है, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, चिन्ह कैसे पहचाने, सप्तक का क्या लाभ है, तरह तरह की बातें। सप्तक में आज इतना ही, मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे सप्तक क्या है। और अगर आपको इस चैनल से थोड़ा लाभ मिलता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलती है, आप लोग देख के यूं ही वापस हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें जो नए नए सीख रहे हैं, और एक दूसरे तक पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।